गनशॉट वुंड क्या होता है? बंदूक की गोली लगना उसको बोलते हैं गनशॉट वुंड। तो गनशॉट वुंड ज्यादातर कहाँ होता है? दोनों सेनाओं के बीच जब लड़ाई होती है तब गनशॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे गनशॉट वुंड के बारे में। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट को हमको सेफ्टी प्लेस में लेके जाना है, लड़ाई के मैदान से पेशेंट को क्या करना है, सेफ्टी प्लेस में लेके जाना है। उसके बाद कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करेंगे? हमारे पास हेमोस्टैटिक ड्रेसिंग होता है, हेमो का मतलब होता है ब्लड, स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप, मतलब ब्लड स्टॉप के लिए स्पेशली ड्रेसिंग होता है हेमोस्टैटिक ड्रेसिंग। तो जहाँ पे गनशॉट वुंड हुआ है वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना है, उसके ऊपर से कॉम्प्रेशन या शेल ड्रेसिंग बैंडेज टाइटली बांधना है। उसके बाद आईवी कैनल लगाना है, आईवी कैनल जो होता है बड़ा साइज का लगाना है 16 गॉज का, अगर 16 गॉज मतलब वेन बड़ा नहीं है तो हम 18 गॉज का भी लगा सकते हैं। तो कम से कम 3 या 4 आईवी कैनल लगाना है क्योंकि हमको मैक्सिमम फ्लूड देना है पेशेंट को। उसके बाद स्टार्ट आईवी लाइन, हमको उसके बाद आईवी फ्लूड शुरू करना है, उसमें हम एनएस या आरएल दे सकते हैं। तो हम आईवी फ्लूड कितना देंगे डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्लड लॉस कितना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का अगर 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है तो हम 3 लीटर तक आईवी फ्लूड देना है। उसके बाद टोनिकेट, टोनिकेट हमको क्या करना है टाइटली बांधना है, उसको लूज नहीं करना है। उसके बाद वाइटल्स पैरामीटर, उसके बाद हम वाइटल्स चेक करना है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, एसपीओ2 चेक करना है। अगर पेशेंट का एसपीओ2 कम है तो उसको हम ऑक्सीजन शुरू करना है। वाइटल्स पैरामीटर में क्या पता चलेगा पेशेंट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है पेशेंट टैकीकार्डिया भी चल सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ क्यों, ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट टैकीकार्डिया हाइपोटेंशन हो सकता है। तो पेशेंट क्या होता है शॉक में जाने की संभावना होती है गनशॉट वुंड में ब्लड लॉस होने की वजह से, तो हमको क्या करना है शॉक से पेशेंट को बचाना है, इसलिए क्या करना है मैक्सिमम आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को। तो उसके बाद इंजेक्शन पेन किलर क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन जो होता है 1 ampoule में कितना होता है 1 ml होता है, वो 15 mg होता है। तो 1 ml होता है उसमें क्या करेंगे हम 4 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे तो टोटल 5 ml हो जाएगा। तो 1 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 mg हो जाएगा। तो हम पेशेंट को 1 ml निकाल के पेशेंट को डायरेक्ट आईवी दे सकते हैं। फिर 15 मिनट के बाद अगर पेन रिलीव नहीं हुआ तो दोबारा हम 1 ml दे देंगे। तो ऐसे कंटिन्यू हर 15-20 मिनट के बाद पेन के हिसाब से पेशेंट को इंजेक्शन देना है। उसके बाद इलिवेशन, अगर हाथ या पेड़ को अगर गनशॉट वुंड है तो उस उनको क्या करना है एलिवेट करके रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा ब्रेन को ब्लड सप्लाई चला जाएगा। तो 12-18 इंच तक हम एलिवेशन करके रख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसका सीएबी चेक करना है, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। अगर सीएबी नहीं मिलता तो हम सीपीआर शुरू करना है। उसके बाद अगर ब्लड अवेलेबल है तो ब्लड भी देना है। देखो ब्लड एक ब्लड बैग में कितना आता है 250 से 300 ml आता है। तो अगर पेशेंट का मान के लो 2 लीटर लॉस हो गया तो अगर 250-300 ml ब्लड देने के लिए कम से कम 3 या 4 घंटा लगता है ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो ब्लड के साथ साथ हम क्या देना है आईवी फ्लूइड भी देना है, क्योंकि 250-300 ml से 2 लीटर जो ब्लड लॉस हुआ है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करना है हमको आईवी फ्लूइड मैक्सिमम देना है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।